Hello loves, it's Mayuri Pandey and you're watching my channel. और आज मैं इंसानों की कुछ ऐसी आदत, फितरत, facts और mentality के बारे में बताऊंगी जो उन्हें पूरी life गरीब बनाए रखती है या उन्हें अमीर नहीं होने देती है. So basically, I'm going to tell you 12 things that keeps you in the list of poor ones. So if you would like to be part of my family, you can follow these steps. Click here to subscribe and press the bell icon, then you will never miss my new update. तो पहली आदत है टीवी देखना और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना. स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन जब मैच आपने देख लिया, ख़त्म हो गया, उसके बाद भी वो चार लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, उसको देखना डजंट मेक सेंस. एंड एक्चुअली खुद को एंटरटेन करने के लिए स्क्रीन के सामने बस बैठे रहना, इससे माइंड की क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मिनटों के लिए जब हम अपना फेवरेट शो देख रहे हैं तो हम अपना सारा प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस सब भूल जाते हैं. तो वही तो प्रॉब्लम है, आप सब कुछ भूल जा रहे हैं कुछ मिनटों के लिए या उतने वक्त के लिए, कुछ मिनटों भी नहीं, कुछ लोग तो एक दो घंटे तक टीवी के सामने बैठे रहते हैं. तो ये आदत अगर आप में है, अगर आपको सारे कमर्शियल अफेयर्स के बारे में पता है, गॉसिप सारे पता है, या आपका फेवरेट शो कोई आता है एक टाइम पे और आप उस टाइम पे टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, ये आदत अगर आपके में है तो आप इसे बदल लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा और आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा अच्छी तरह से सोच पाएंगे. सेकेंड पुअर हैबिट इज़ देर से उठना या लेजी होना. जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, आप कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, उन सबके शेड्यूल में ये चीज़ रहती है कि वो सुबह उठते हैं ताकि वो अपने वक्त को और अपने डे को यूटिलाइज कर पाए, प्लान कर पाए अपने डे को. और अगर आप देर से उठते हैं या किसी भी काम को करने से पहले लेजी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कि उसको शुरू ही नहीं करना चाहते, तो ये आदत तो बदलनी पड़ेगी, बिकॉज काम पे लगेंगे तब भी तो आप पैसे कमा पाएंगे. तीसरी पुअर हैबिट है कि वो लोग जो पुअर होते हैं वो ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं. इसका मतलब वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं. जितने भी रिच लोग होते हैं वो हेल्दी फूड खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, अपने हेल्थ को और अपने वक्त को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. चौथी है लॉटरी मेंटालिटी. लॉटरी मेंटालिटी का मतलब ये नहीं कि आप लॉटरी के टिकट खरीदते रहते हैं हमेशा. अगर खरीदते रहते हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए. बट लॉटरी मेंटालिटी इज़ कि किसी भी चीज़ के बारे में ये सोचना कि मैं उस शो में जाऊंगा तो मैं इतना विनिंग प्राइस विन कर लूंगा या इतना बड़ा अमाउंट में जीत जाऊंगा, बिकॉज मेरी किस्मत चमक जाएगी कभी. ऐसे नहीं होता है. रिच माइंडेड पीपल ये सोचते हैं, वो अपने हार्ड वर्क पे और अपने स्मार्ट वर्क पे बिलीव करते हैं, ना कि अपनी किस्मत पे. तो ये जो लॉटरी मेंटालिटी होती है इसको तो हटा ही देना चाहिए. पांचवी पुअर मेंटालिटी है जेलेसी. किसी के सक्सेस को देखकर या किसी ने आपके, सपोज आपके पड़ोसी ने ही नया मकान बनवाया या कार लिया और उसको देखकर आप जेलेस होकर ये आता है आपके माइंड में कि जरूर ब्लैक मनी से किया होगा या इसके ससुराल ने गिफ्ट किया होगा कार इसको, ये चीज़ें अगर आती है तो आपकी मेंटालिटी, आई एम सॉरी बट बहुत ज़्यादा घटिया है. क्योंकि जो इंसान इस तरह से सोचते हैं वो कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे लाइफ में. अगर आप उसे देखकर ये सोचते हो कि अरे वाह कितनी अच्छी कार है या इतना अच्छा इन्होंने घर बनाया, मैं भी एक दिन ऐसे ही इसको ऐसा ही घर बनाऊँगा या ऐसा ही कार लूँगा और उसके लिए मैं हार्डवर्क करूँगा, ये चीज़ जो प्रोग्रेस होने के लिए आपको ये चीज़ें अगर मोटिवेट करती हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि आपके मन में जेलसी लाती हैं. और जो छठवां पॉइंट है वो मुझे लगता है कि फैक्ट है, और मतलब क्योंकि ऐसा होता है कि जिनकी पुअर मेंटालिटी होती है दे हैव मोर किड्स एंड अर्लियर इन देयर लाइफ. और हम सबको पता है कि कितना एक्सपेंसिव होता है बेबीज लाना और उनको परवरिश करना, उनकी पढ़ाई, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, एंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है क्योंकि पेरेंट्स होना कोई आसान बात नहीं है. तो जो लोग बिना सोचे या बिना प्लानिंग के बेबीज कर लेते हैं उनको ऑब्वियसली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ता है. सो इफ़ आप अपने आप को फाइनेंशियली अच्छा रखना चाहते हैं तो सोच कर और प्लान करके बेबीज करने चाहिए. नाउ सेवेंथ वन इज सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टिंग. जितने भी पुअर होते हैं उनके पास पहली बात तो सेविंग्स नहीं होती है, और अगर होती भी है तो थोड़े अमाउंट में होती है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों से बचत करके करते हैं. जबकि उन्हें सैलरी मिलते ही एक छोटा ही अमाउंट से ही पहले अपनी सेविंग्स में डाल देना चाहिए, उसके बाद फिर अपने मंथ के नीड्स को प्लान करना चाहिए. और सेविंग से ज़्यादा ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो रिच माइंडेड पीपल होते हैं वो अपने हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क से जो पैसे वो कमाते हैं उनको भी वो
इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि वो पैसे भी वर्क करें और अपने मतलब वर्क नहीं लगाते हैं, जिससे कि वो इन्वेस्ट की तरह हो जाए। जैसे वो सामान भी लेते हैं अगर कुछ, तो वो ऐसे सामान लेते हैं जो उनके काम आए, ना कि अपने शौक के लिए कुछ शॉपिंग करना या सामान लेना। और आठवां जो पॉइंट है वो है दे डोंट डू रेगुलर चेकअप्स विद द डॉक्टर। वैसे ये चीज़ हमें से बहुत लोगों में होती है कि हम रेगुलरली चेकअप करना ज़रूरी नहीं समझते हैं, बट इससे ये होता है कि अगर कोई बड़ी डिसीज़ जैसे कैंसर या ऐसी कोई बीमारी है जिसके सिम्टम्स आपको समझ में नहीं आते हैं और वो अर्ली स्टेज में आपको पता लग जाएगा, तो उसमें कम पैसे खर्च होंगे इलाज में भी और हेल्थ भी आपकी ज़्यादा अच्छी जल्दी इम्प्रूव होगी। इसलिए हमेशा चेकअप कराते रहना चाहिए। एंड नाइन्थ हैबिट ऑफ पुअर पीपल इज शो ऑफ। अब आप कहेंगे कि गरीब लोग शो ऑफ कहाँ करते हैं, जिनके पास पैसे होंगे तभी तो शो ऑफ करेंगे। लेकिन अगर आपके आपकी सैलरी 20,000 है और आपके हाथ में 51,000 का फ़ोन है या आईफोन एक्स है, तो ये शो ऑफ ही तो है। अगर आप अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के बजाय लोगों को दिखाने के लिए या मेरे दोस्त के पास ये चीज़ है तो मैं भी ये लूँगा, या ऐसी किसी मैंटेलिटी के साथ आप शॉपिंग करते हैं या शो ऑफ करना चाहते हैं, तो सॉरी मैन, यू आर वेरी पुअर। बिकॉज जब आप उन्हीं चीज़ों में खर्च करें, जब आप उस खर्चे को उतना खर्च जो आपने किया है वो आप वापस कमा पाएँ, तभी खर्च करना चाहिए। 10th साइन विच इंडिकेट्स दैट यू आर पुअर इज यूजलेस चीज़ों के लिए लोन लेना या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना। आप तभी यूज़ कीजिए जब आपकी रीपेइंग कैपेसिटी हो उसके लिए। जैसे अगर आप टीवी खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो मत कीजिए। अगर आप कार खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो मत लीजिए। आप पहले देख लीजिए कि आप उसको वापस से उस मनी को दे पाएंगे, यानी आप चुका पाएंगे यानी। एंड अगर आप कम इंटरेस्ट के साथ क्रेडिट कार्ड से कुछ भी लेते हैं तो उसमें आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलता है, एंड वो पैसा आपके शौक के लिए, ज़रूरत के लिए जो भी वो यूज़ हो जाता है। जबकि क्रेडिट कार्ड और लोन्स ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने काम में, अपने वर्क के लिए यूज़ करेंगे, जिससे कि वो मनी यूटिलाइज हो और आपका नुकसान ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड 11th वन इज़ इफ़ यू हैव पुअर मेंटेलिटी यू विल ब्लेम अदर्स फॉर योर डिसेबिलिटीज़। जैसे मैं पास नहीं हो पाया क्योंकि मेरी टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती है, या मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ या वो काम को नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं या वैसे हैं या अलाउ नहीं करते या बहुत डांटते हैं, जो भी। किसी के भी बस में नहीं होता है कि उनको आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा मिल रहा है, उनके पेरेंट्स कैसे हैं या उनके टीचर कैसे हैं या उनका बॉस कैसा है या उनके कलीग्स, जो भी। लेकिन अगर आप अपनी डिसेबिलिटीज़ के लिए कि आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हो या फेलियर फेस कर रहे हो, इसके लिए औरों को ब्लेम करते रहोगे तो आप खुद में कैसे इम्प्रूव कर पाओगे। जो रिच माइंडेड पीपल होते हैं वो ये सोचते हैं कि ठीक है मैं फेल हुआ, मैं वापस से अपने स्किल्स को इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि द ओनली थिंग विच कैन मेक मी सक्सेस वो है मेरे स्किल्स। तो वो हमेशा अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं, ना कि अपने आसपास के लोगों को सुधारते बैठे रहते हैं। एंड लास्ट वन इज़ पुअर पीपल बिलीव दैट अदर्स शुड हेल्प देम टू रीच द टॉप। अगर आप इस उम्मीद में बैठे रहेंगे, शुरू ही नहीं करेंगे कुछ, कि लोग आपको या कोई एक स्पेसिफिक इंसान आपको सपोर्ट करे फाइनेंशियली, इमोशनली या किसी भी तरह से, तो आप सक्सेस कैसे होंगे अगर आप उस काम को स्टार्ट ही नहीं करेंगे। तो किसी और पर डिपेंडेंट रहने की बजाय या उम्मीद रखने की बजाय आप खुद पर ट्रस्ट करें और काम को शुरू करें एटलीस्ट। ओके, सो अगर ये पॉइंट्स आपको सही लगे हो और आपको मोटिवेट किया हो अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें हर वेंसडे और सैटरडे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, एंड कमेंट करके मुझे अपने थॉट्स शेयर करें। लव यू ऑल। ओके, सो अगर ये पॉइंट्स आपको सही लगे हो और आपको मोटिवेट किया हो अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, तो इसको और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि हर वेंसडे और सैटरडे आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। लव यू ऑल।